देश होती है। दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया जीबी रोड है। इस रोड का नाम सुनते ही जहन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। यहाँ एक काला सच दफन है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दिल्ली के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया जीबी रोड को लेकर अब तक आपने ना जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी। कई बार अखबारों में भी इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। आज हम आपको इसी बदनाम गली की हकीकत से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीबी रोड का पूरा नाम गारस्टिन बास्टिन रोड है। इस सड़क को दिल्ली में सबसे बड़े रेड लाइट एरिया के तौर पर जाना जाता है। दिन के वक्त तो यहाँ दुकानें खुलती हैं, लेकिन सूरज ढलने के साथ ही शुरू हो जाता है जिस्म को रौंदने और दौलत को लुटाने का खेल। साल 1965 में जीबी रोड का नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया, लेकिन वक्त बीतता गया और जीबी रोड रोज इतिहास के पन्नों में खुद को समेटने में जुटा रहा। इस इलाके का अपना इतिहास भी है। कहा जाता है कि यहाँ मुगल काल में कुल 5 कोटे हुआ करते थे, जिन्हें अंग्रेजों के वक्त में एक साथ कर दिया गया और उसी समय इसका नाम जीबी रोड पड़ा। जीबी रोड में देव व्यापार का सबसे बड़ा कारोबार होता है। नेपाल और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी की जाती है और उन्हें यहाँ के कोठों पर सजा दिया जाता है। आज भी यहाँ रोज देश के कोने कोने से लड़कियां लाई जाती हैं। ज्यादातर को इस धंधे में जबरन डाला जाता है। महिलाओं की कितनी तस्करी होती है इसकी कोई ठीक ठाक जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन यकीनन ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला होगा। कुछ दिन पहले जीबी रोड के कोठों की कई सनसनीखेज बातों का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें देह व्यापार के लिए लाई गई नाबालिग लड़कियों को हार्मोन और नशे का इंजेक्शन देकर जवान बनाने की कोशिश की जाती थी। इसके बाद उन्हें देह व्यापार के धंधे में जबरन धकेल दिया जाता था। इतना ही नहीं, देह व्यापार का विरोध करने वाली लड़कियों को जबरन ड्रग्स दिया जाता था, जिससे नशे की आदी होने पर उन्हें इस घिनौने खेल में आसानी से उतारा जा सके। दिल्ली की रेड लाइट एरिया का सच बहुत ही भयानक है। अपने आप को बेचने के बाद भी सेक्स वर्कर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाती। यहाँ ग्राहकों के लिए रातें तो रंगीन होती हैं, लेकिन सेक्स वर्करों के लिए रात का मतलब सिर्फ रोटी कमाने का एक मौका होता है। जीबी रोड का हाल ये है कि यहाँ सेक्स वर्करों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ रहने वाली महिलाएं कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ रहने वाली 30% से अधिक महिलाएं स्किन डिजीज और डायबिटीज की रोगी हैं, जबकि 5% सेक्स वर्कर HIV पॉजिटिव हैं। जीबी रोड का मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को सेक्स वर्कर को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं बनाने का आदेश दे चुका है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि योजनाओं के तहत सेक्स वर्करों को वोकेशनल ट्रेनिंग देने का प्रबंध किया जाए, साथ ही रोजगार देने की भी व्यवस्था की जाए, लेकिन आज तक उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके कारण वे आज भी इस दलदल में रहने को मजबूर हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।